हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एचडी सोडा में और हम जानेंगे स्टिकर के दो अलग अलग लगाने के तरीके। एक है जो स्टिंक वाला आता है और दूसरा है गम वाला। तो हम आज सोहिल भाई से उनकी नॉलेज लेंगे और ये कैसे लगाते हैं हम उनसे जानेंगे। तो चलिए हमें उसके मिलाता हूँ। हाँ दोस्तों, सोहिल भाई से हम मिले हैं और हम पूछते हैं उनसे कि स्टिकर के दोनों टाइप के है, जो स्ट्रिंक वाले है और गम वाले है, दोनों के बारे में हम सोहिल भाई से नॉलेज लेंगे और उनसे भी पूछे उनका इंट्रोडक्शन। जी, मैं आपको बता देता हूँ, हम मशीनरी में भी काम कर रहे हैं। सिंगल नोजल पाउच फिलिंग मशीन के बारे में काम कर रहे हैं, डबल नोजल पाउच फिलिंग मशीन के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए, आपको किस तरह से मशीन वर्किंग करना है, स्मॉल बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस आपको ए टू ए से लेके जेड तक पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरा रॉ मटेरियल हमारे पास से प्रोवाइड हम करते हैं। तो ये सिंगल नोजल का मशीन है, वो कोई भी ऑपरेट कर सकता है सोहिल भाई? हाँ जी, महिला हो, पुरुष हो, चाहे या बच्चा हो, किसी भी इजीली आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। मशीन के बारे में बाकी भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, डिसोडा मशीन में आप देख सकते हो, वो भी आपको किस तरह से ऑपरेटिंग करना है तो वो भी आप देख सकते हो। सेम इसी तरह से दो नोजल में आता है, उसमें एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं। कौन सा एडवांस फीचर्स है? AI सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है, वो भी हमने ऐड कर दिया है। और ये मशीन हम कहीं पे भी मंगाए तो कहीं पे भी मिल जाएगा हमें? जी, भावनगर हमारा मेन लोकेशन है, वो बता देता हूँ, गुजरात के भावनगर है, वहाँ मेन हमारा लोकेशन है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमारा लोकेशन है। तो बाकी आप जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप ऑल इंडिया में डिलीवरी मंगवा सकते हो। दोस्तों, कहीं पे भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, तो आपको मिल जाएगा इजीली। रॉ मटेरियल चाहे एक बोतल चाहिए, दो बोतल, स्टिकर आपको कम से कम चाहिए, स्टार्टिंग के लिए चाहिए, गमिंग स्टिकर चाहिए, श्रिंक स्टिकर चाहिए, फिर आपको मशीनरी चाहिए तो भी मिल जाएगा। COD सिस्टम भी अवेलेबल है और आपको कैश ऑन डिलीवरी का जो सिस्टम रहता है वो अवेलेबल है, और एडवांस में पेमेंट करते हो तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है, दोनों हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। जी सोहिल भाई, मुझे एक और बात पूछनी थी कि ये जो मशीन तो हम ले लेंगे, फिर उसके लिए उसका फ्लेवर स्टिकर वो भी आपसे मिल जाएगा? जी, फ्लेवर में हम बता दें, सोडा मशीन में भी काम कर रहे हैं, सोडा मशीन का फ्लेवर आपको चाहिए ऐसे लेके जेट तक, जीरा मसाला का चाहिए आपको, स्प्रिंग सोडा का चाहिए तो वो भी हमारे पास से मिल जाने वाला है, और आपको घट में चाहिए, मान लीजिए जूस का बनाना है तो लाहौरी जीरा रहता है, इस टाइप का आपको फ्लेवर चाहिए तो वो मिल जाएगा, फिर आपको घट में चाहिए मैंगो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, माजा सेम टू सेम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, फिर लीची मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी घट में मिल जाएगा, पाइन एप्पल मिल जाएगा, और कच्चा आम का हमारे पास से आपको घट फ्लेवर में मिल जाने वाला है। तो सोहिल भाई, वो एक और भी मुझे क्वेश्चन है जी, जो फ्लेवर तो हमने मैंगो का मंगवा लिया जी, लेकिन उसको कैसे बनाए, उसकी रेसिपी कहाँ से हमें मिलेगी, वो भी आप बताएंगे? जी, हमारा एचडी सोडा मशीन से आप पूरा लेते हो इस टाइप का फ्लेवर तो हमारे पास से आपको PDF द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और उसकी मदद से आपको तब भी समझ में नहीं आता है तो हम आपको एक बुकलेट भी देते हैं, तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो कॉल के थ्रू हमारा मार्केटिंग टीम जो रहता है वो आपको पूरा समझाने की कोशिश करता है। तो कस्टमर, मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि आपको भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सोहिल भाई आपको कॉल के द्वारा और आप वीडियो कॉल के द्वारा भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप सोहिल भाई से पूछिएगा। जी, तो मैं आपको स्टिकर के दोनों बारे में बता देता हूँ। लेबनिंग हमारा स्टिकर रहता है, जो स्टार्टिंग कस्टमर रहता है, मान लीजिए LKG करता है, इसी तरह से कोई बच्चा होता है तो उसके लिए पहले क्या करता है, LKG में जाता है, इसी तरह से उसके बाद UKG आता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड आता है, इसी तरह से हम आपको स्टार्टिंग करवाते हैं पाउच फिलिंग मशीन के बारे में से। तो पाउच फिलिंग मशीन के बाद हो गया आपका बॉटलिंग प्लांट, हो गया सोडा मशीन, हो गया, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे ले जाते हैं कस्टमर को, और पूरा गाइडलाइंस हमारी तरफ से रहता है। कस्टमर जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ऑलरेडी हमको जानते हैं, और हमारे पास से जो माल लेते हैं उसको भी मालूम है, किस तरह का मैं नॉलेज देता हूँ उसको भी एडवांस लगता है दोस्त। तो सोहिल भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं भी वो स्टिकर लगा सकता हूँ? हाँ जी, लगा सकता हूँ, मैं अभी लाल डेमो करके दिखाने वाला हूँ आपको, श्रिंक लेबल भी और आपको गमिंग लेबल दोनों भी दिखाकर आपको लाइव डेमो करके ही दिखाने वाला हूँ अकीब भाई। तो ठीक है, चलो हम देखते हैं, सोहिल भाई हमें लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं, तो उसको डेमो। सोहिल भाई, आप क्या कर रहे हो, डेमो कैसे करने का है? दोस्तों, इस टाइप का पहला तो बोतल चाहिए आपको, इस टाइप का बोतल है, उसके ऊपर आपको दो तरह के स्टिकर लगते है, ये जो है ना गमिंग है, टू साइड गमिंग है, आप देख सकते हो दोस्तों, इस टाइप का जो है वो सिल्वर कॉटन आता है, उसके अंदर
और इस टाइप का बोतल आता है और इस टाइप का दो आपको देखिए दोस्तों इस टाइप का दो कटिंग आता है और यहाँ से लगाने का है और यहाँ से लगाने का है। और दूसरा जो है हमारे पास वो श्रिंक है, श्रिंक एक साथ में आपको ज्यादा करवाने रहता है और एचडी सोडा का लेते हो तो कम से कम आपको ये मिल जाता है, श्रिंक है। श्रिंक में क्या करना पड़ता है बेसिकली दोस्तों, यहाँ से पूरा लगा देना है, देखिए ये लग गया और ये हॉट गन से मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ किस तरह से लगता है। और जो गमिंग रहता है वो गमिंग बोतल के ऊपर पूरा लगाना रहता है, तो मैं आपको श्रिंक करके ही दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं श्रिंक जो रहता है। मान लीजिए है श्रिंक, ठीक है, यहाँ पे रख दिया है, अभी इसको लगाते हैं। यहाँ से आपको रिंग पहना देना है इजीली, देखिए इस तरह से कर लेना है आपको और अब लग चुका है, देखिए अभी ये रिंग लग चुका है, बोतल पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ से ऑन ऑफ स्विच रहती है, ये हीट गन है, हीट गन की मदद से पूरा ये होता है, देखिए शुरू हो गया है। तो यहाँ से पूरा थोड़ा आगे रखना है और आपको इस तरह से पूरा लग जाएगा, देखिए ये पूरा लग चुका है और यहाँ से देखिए पूरा स्टिकर लग चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपको गमिंग में लगाना है तो गमिंग में इसी तरह से आप देखिए लगा सकते हैं। गम वाला है इस तरह से लगाना है, हाँ गम वाला इस तरह से लगाना है आपको, यहाँ से पहले इस तरह से लगा देना है, आप देख सकते हैं सोहेल भाई लगा रहे हैं, देखिए यहाँ से लगाना है और यहाँ से इस तरह से कर देना है, सिल्वर कॉटन यहाँ से पकड़ लेना है और इजीली आपको इसी तरह से यहाँ से आपको थोड़ा आगे रख के ये दो कॉटन ऑलरेडी कटिंग लगाया हुआ है, देखिए लग चुका है, देखिए इस तह से ये है श्रिंक है और ये लेबनिंग है। श्रिंक वर्सेस लेबल दोनों आपको देख दिखाया है डेमो करके कि श्रिंक वाला है और ये लेबल गमिंग वाला है, टू साइड गमिंग आता है, श्रिंक है दोनों है, दोनों अलग है, देखिए दोनों लीची का ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सोहेल भाई ने श्रिंक वाला लगाया हुआ है स्टिकर, ये भी इजी है और ये गम वाला है वो भी इजी है, ये कोई भी कर सकता है, सोहेल भाई वो बोल रहे है तो हम भी ट्राई करते है एक बार। सोहेल भाई हम कैसे करें, यहीं से करते हैं ना जी, यहाँ से ही आपको इजीली लगा देना है, देखिए हाँ इसी ऐसे ही करना है ना, हाँ जी इसी तरह से करना है आपको, लगा दीजिए जी। हाँ दोस्तों ये इजी है, कोई भी बंदा या वुमन बच्चे भी कर सकते हैं और इस हीट गन से ऐसे करने का है तो हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने लाइव डेमो किया है, हमारे साथ सोहेल भाई है, तो ये हो गया है और ये सो इजी है, कोई भी कर सकता है, ये वुमन महिलाएं भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सोहेल भाई। और आपको बता दूं इसमें कौन सा वेराइटी आता है, आपको आपका डिजाइनिंग करवाना है, मान लीजिए इस टाइप का गमिंग है, गमिंग में आपको आपका डिजाइनिंग करवाना है तो वो भी करवा सकते हो, इस टाइप का ऑरेंज का है, फिर आपको पाइनएप्पल का चाहिए तो पाइनएप्पल मिल जाएगा, मैंगो का मिल जाएगा, ऑरेंज लीची जीरा मसाला जो आपको करवाना है, अगर आपका डिजाइन है ऑलरेडी तो उसका चार्जेस नहीं लगेगा, डिजाइन बनवाना है तो उसका चार्जेस लगता है, अलग से डिजाइन का चार्ज, हाँ डिजाइनिंग चार्जेस फर्स्ट टाइम रहता है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम फ्री रहता है, पहले आपको डिजाइनिंग चार्ज पर फ्लेवर के हिसाब से देना पड़ता है। मान लीजिए मैंगो का कर रहे हो तो मैंगो का आपको पहले देना पड़ता है, उसके बाद नहीं देना पड़ता, मान लीजिए फिर आपको करवाना है ऑरेंज तो ऑरेंज का आपको डिजाइनिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा, उसके बाद जो स्टिकर का चार्ज रहता है वही देना है, बाकी आपको देना नहीं, एक बार डिजाइन बन जाएगा उसके बाद। वो श्रिंक स्टिकर करवाना है अगर रेडीमेड चाहिए एचडी सोडा मशीन का तो वो आपको मिल जाएगा रेडीमेड में, मैंगो ऑरेंज लीची पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी और गुआवा रेडीमेड से आपको श्रिंक स्टिकर मिल जाएगा इस टाइप का जो चाहिए आपको, हिटगन वाला है वो। अगर आपको आपका खुद का करवाना है तो 1 लाख का कम से कम ऑर्डर रहता है श्रिंक स्टिकर में। आपको सेल्फ या मेरे को मेरी ब्रांड का या मेरी कंपनी का करवाना है तो 1 लाख का ऑर्डर लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा जी। और ये श्रिंक वाले भी मिल जाएंगे और ये गम वाले भी सोहेल भाई के पास मिल जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा है, इसकी जो क्वांटिटी है ना बहुत ही अच्छी है, कोई भी लगा सकता है, ये बिजनेस भी कर सकता है और स्टिकर अवेलेबल है। सोहेल भाई जब भी चाहे आप उनको ऑर्डर दीजिए, वो आपको कहीं भी ऑल इंडिया में आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज देंगे, तो आप जल्द से जल्द सोहेल भाई का कॉन्टेक्ट कीजिए और बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
थैंक यू सोहेल भाई, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और आपने जो हमें सिखाया है, जो स्ट्रिंग वाला है और गम वाला है, दोनों हमें सिखाया है, वो हमें इजीली आ तो गया है। और मैं भी आपको इस स्टिकर के ऑर्डर दूंगा, तो आप हमें जरूर ऑर्डर करके भेज दीजिएगा। थैंक यू जी। और मैं आपको मशीन के बारे में भी बता देता हूँ कि किस तरह के मशीन जो आ रहा है। सोहेल भाई, मुझे वो मशीन का एक डेमो देखना था, वो भी दिखा दीजिए ना। जी ठीक है। सोहेल भाई से हमें पूछा कि हमें आप जो मशीन बना रहे हैं, वन नोजर का, टू नोजर का, तो हमें वो दिखाइए और उनका इंट्रोडक्शन करवाइए। जी मैं आपको बता देता हूँ एचडी सोडा मशीन के जो व्यूअर्स है उसको के किस तरह के मशीन रहते हैं। दोस्तों हमारा लेटेस्ट मॉडल है टू नोजल का पाउंड फिलिंग मशीन है। 2 मीटर के साथ 2 इंडिकेटर, 2 पुश बटन, और पुश बटन में भी खास है दोस्तों SS304 फुल्ली स्टेनलेस स्टील का पूरा मटेरियल है और पूरा बॉडी बना हुआ है दोस्तों, और ओरिजिनल है। ऐसा नहीं है दोस्तों के बोलते हैं और प्लास्टिक का जो आपको पुश बटन डाल देते हैं तो वो दोस्तों क्या होता है, बार बार खराब हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो पूरा SS304 फुल्ली स्टेनलेस स्टील का उसका आपको पुश बटन मिलता है, उसके साथ में SS304 का आपको नोजल मिलता है, और पूरा हैवी ड्यूटी का पूरा सर्किट मिलता है दोनों साइड दोस्तों, और हैवी ड्यूटी का कंप्रेसर मिलता है। मींस के पूरा इस टाइप का एयर टाइप पूरा बाउंस आप फील कर सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आपको सिंगल नोजल से घर की बिजली से ही पूरा चलने वाला मशीन रहता है और सिंगल नोजल का है दोस्तों। सिंगल नोजल 304 SS304 फुल्ली स्टेनलेस स्टील का बॉडी रहता है, और वो भी आपको कम से कम लो बजट में आप शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो इजीली। तो ऐसी तरह से आपको फ्लेवर चाहिए मैंगो, ऑरेंज, लीची, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, गुआवा का तो फ्लेवर मिल जाएगा। सोडा मशीन का फ्लेवर चाहिए तो आपको सोडा मशीन का भी फ्लेवर मिल जाने वाला है इसी तरह से। तो यहाँ सर आप देख रहे हैं, हमने सोहेल भाई से पूछ लेते हैं ये मशीन मंगाना है तो कैसे मंगाएंगे। दोस्तों स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारा आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों, कांटेक्ट करके पूरा जानकारी ले सकते हो। अभी तक हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दे। ये ऐसी बिजनेस आइडिया और कॉन्टेंट लाते रहेंगे, यूनिक बिजनेस आइडिया आपको लाते रहेंगे। और दोस्तों आपको जो भी चाहिए रॉ मटेरियल एनी टाइम मिल जाएगा, मशीनरी चाहिए तो मशीनरी मिल जाएगा। तो ऐसा ही बेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।